तो नागरिकता चली जाएगी, कृषि बिल आ जाएगा तो जमीन चली जाएगी, कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी तो नपुंसकता आ जाएगी। अरे यार ये ऐसा विपक्ष है। चुनाव इस बार का चुनौतियों से नहीं है, पनौतियों से है, ये बात ध्यान। अभी एक कार्यकर्ता कह रहा था कि गर्मी नहीं आ रही, अब गर्मी कहां से आएगी? भगदड़ के हालात है कांग्रेस में, भगदड़ के, पके पकाए और बने बनाए विधायक जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, और परसों की 6 तारीख की और हमने संख्या बता दी है, जब से कई लोगों को तो डिहाइड्रेशन हो गया। मैंने तो राहुल बाबा से कहा था कि भगदड़ का मजा लेना है अपने ही देश में, लेकिन अति आत्मविश्वास में फिर भी नहीं आना है अपन। अति आत्मविश्वास घातक होता है, जीती बाजी हार जाते हैं, जिसका उदाहरण मैं आपके सामने, इससे बढ़िया उदाहरण सामने लगा। अच्छा मेरा कोई बात नहीं, महाराज साहब बैठे हैं, इसलिए एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान पे आक्रमण करने मुगल आए थे, अहमद शाह अब्दाली, तब मराठाओं की सेना ने डट के मुकाबला किया था। आपको ठीक जानकारी होगी, मैं तो वैसे ही कहीं तो भी सुनी या पढ़ी बता रहा हूं, और हमारी सेना लगभग जीत गई थी मराठाओं की, लेकिन जब जीतती हुई सेना में सेवा भाव हमारे सेनापति थे उस सेना में, उन्होंने कहा अब तो युद्ध हम जीत ही गए हैं, तो वो घायल सैनिकों को देखने के लिए, इकट्ठा समेटने के लिए हाथी के हौदे से नीचे उतर गए, और बाकी के सैनिकों ने ये सोचा कि हमारे सेवा भाव या तो गिरफ्तार कर लिए गए या घायल हो गए या मारे गए, तो हमारी सेना में भगदड़ मच गई। तो कभी कभी जीती बाजी भी हार जाते हैं, इसलिए अति आत्मविश्वास में, ये दो ही उदाहरण मैं आपको पर्याप्त दे रहा हूं। हमारे पास में इतना सक्षम और सबल नेतृत्व है, चाहे इधर मंच पर देख ले और चाहे उधर दिल्ली की तरफ देख ले। अब दिल्ली की तुलना करो राहुल गांधी जी की और प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो आपके मन में एकदम आएगा कहां राम राम कहां कहते हैं। अरे दोनों की कोई तुलना नहीं है, चारों तरफ से वातावरण मोदीमय है, भाजपामय है, राममय है, राष्ट्रमय है। और इसलिए कार्यकर्ता बंधु, आपको सिर्फ जनता को यह बताना होगा कि कोई भी आए कांग्रेस से, जीत भी जाएगा तो कर क्या लेगा, ना यहां सरकार है ना वहां सरकार है, फिर वही नगर निगम में जैसी दिक्कत आ रही ना तनख्वाह बांटने, ऐसी दिक्कतें फिर आएंगी। और इसलिए दतिया के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, हम सबको इस बार जो माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है, मेरे मित्रों जो काम मोदी जी ने किया है, आप थोड़ा सा उसको ऐसे पलट के देखो। ये चुनाव जैसा मैंने कहा कि चुनौतियों से नहीं है, पनौतियों से है, और वो पनौती है जो आज सनातन पर सवाल उठा रही है, वो आज हमारे सनातन को डेंगू कह रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण का मुद्दा होता है हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करना, दिग्विजय सिंह कभी गाय की बुराई करते हैं कि गाय हमारी माता कैसे हो सकती है, कभी गोबर पर सवाल उठाते हैं, वो गोबर में बनी रहती है। अरे मुझे एक बात बताओ, दिग्विजय सिंह ने कभी बकरी की बुराई की है, बकरी की लैड़ी की बुराई की है? अच्छा क्यों नहीं करी, गाय की ही क्यों करते? ये दिग्विजय सिंह वो दिग्विजय सिंह है जिन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उज्जैन में लगा तो इन दिग्विजय सिंह को काजी साहब जिंदाबाद सुनाई दिया, इनके कान बजते हैं सोते में। ये सब के सब सनातन पर चोट करने वाले लोग हैं। मेरे मित्रों आपको ध्यान होगा
कि जब JNU में नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, तब सबसे पहले मिलने भी जई राहुल गांधी और केजरीवाल गए थे, गए थे कि नहीं गए थे आप सभी, यही तो वैचारिक लड़ाई है, बस तुम उनसे मिलने जाते हो जो कहते हैं कि तुम कितने अफजल मारोगे हर घर में अफजल निकलेगा, और हमारी लड़ाई इसी बात की है कि हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। इतनी सी लड़ाई, ये परिवर्तन 10 साल का किया है, 10 साल पहले जब मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान के सैनिक आते थे और हमारे देश के सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, और उस समय के हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सफेद कबूतर उड़ाते थे या सफेद झंडा, पहली बार मोदी जी के आने के बाद में दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला प्रधानमंत्री इस देश को मिला। मेरे मित्रों, मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था, आज वो पाकिस्तान भीख मांग रहा है, भीख आप खुद जाके देख लो। अभी मैंने एक समाचार पढ़ा, वो समाचार में कुछ पिछले दिनों वो कह रहा था कि औरंगजेब हमारा बाप था, बंबई का था वो। मैंने उससे कहा कि बंटवारे के समय अगर ये चला गया होता पाकिस्तान में ना, जिसका बाप औरंगजेब कह रहा है ये, तो अभी वहां पर पाकिस्तान में आटे की लाइन में लगा होता और मोदी बाप नजर आता है इसको, जो घर बैठे, मेरे मित्रों घर बैठे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने वाले का नाम नरेंद्र भाई मोदी है, घर बैठे 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान देने वाले व्यक्ति का नाम नरेंद्र भाई मोदी है, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन देने वाले का नाम नरेंद्र भाई मोदी है।